नमस्कार, करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा चुनाव आयोग की घर से वोट की सुविधा, सागर परिक्रमा कार्यक्रम, अरुणाचल प्रदेश के उत्पादों के लिए GI टैग, युद्ध अभ्यास समसमा, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली बुलेट ट्रेन, नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता, एशियाड में भारत के रिकॉर्ड पदक और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2023। राष्ट्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को घर से वोट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अप्रैल में चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से विकलांग लोगों के लिए मतपत्र से मतदान शुरू करने की घोषणा की थी। क्या आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM का इस्तेमाल पहली बार 1982 में केरल के उत्तरी परावूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को IIT बॉम्बे के दो प्रोफेसरों AG राव और रवि पुवैया ने डिजाइन किया था। EVM का इस्तेमाल पहली बार 1999 में गोवा विधानसभा के आम चुनाव में किया गया था। सरकारी विमान निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बुधवार को बेंगलुरु में एक समारोह में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस का पहला ट्रेनर संस्करण सौंपा। HAL प्रमुख CB अनंत कृष्णन ने कहा कि मार्च 2024 तक भारतीय वायुसेना को 2 सीटों वाले 7 और विमान दिए जाएंगे। क्या आपको मालूम है, HAL HF 24 मारुत 1960 के दशक में भारतीय लड़ाकू बम वर्षक विमान HAL द्वारा विकसित पहला जेट विमान था। कर्ट टैंक प्रमुख डिजाइनर थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को बुधवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। केरल उच्च न्यायालय ने हत्या के प्रयास के मामले में उनकी दोष सिद्धि को निलंबित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी। यह दूसरी बार है जब फैजल को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(3) के तहत कोई मौजूदा विधायक जिसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और 2 या उससे अधिक साल की सजा सुनाई जाती है, उसे दोष सिद्धि की तारीख से और 6 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है, जब तक कि न्यायालय दोष सिद्धि के आदेश को निलंबित नहीं कर देता। क्या आपको मालूम है, 1988 में लाल दुहोमा दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले लोकसभा सांसद बने। संयोग से 2020 में वह मिजोरम राज्य के पहले विधायक भी बने जिन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया था। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन के साथ 7 अक्टूबर 2023 को तमिलनाडु के रामनाथ जिले के थोंडी में सागर परिक्रमा चरण 9 का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति तमिलनाडु के 8 तटीय जिलों पुदुक्कोट्टई, तंजावुर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुरई, कुड्डालोर, विलुप्पुरम, चेंगलपट्टू, चेन्नई और कराईकल और पुदुचेरी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सागर परिक्रमा एक जनसंपर्क कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश के पूरे तटीय क्षेत्र में मछुआरा समुदाय तक पहुंचना है।
मछुआरों के मुद्दों, अनुभवों और आकांक्षाओं को समझने और तटीय क्षेत्रों में मछुआरों के लिए उपलब्ध सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह पहल शुरू की गई है। सागर परिक्रमा के पहले 8 चरणों में गुजरात, दीव और दमन, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार सहित 8 तटीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 4,115 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पाद खंती चावल, याक चुरपी और तंगसा टेक्सटाइल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग से सम्मानित किया गया है। GI यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक संकेत है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस मूल के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है। खमती चावल नामसाई जिले में उत्पादित चिपचिपे चावल की एक किस्म है। चांगलांग जिले के तांगसा जनजाति के वस्त्र उत्पाद अपने विदेशी डिजाइनों और रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं। चुरपी एक पनीर उत्पाद है जो भारत, नेपाल और भूटान के हिमालयी क्षेत्र में व्यापक रूप से खाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में यह बड़े पैमाने पर तवांग जिले में उत्पादित किया जाता है। चुरपी यह टैग प्राप्त करने वाला पहला याक दूध उत्पाद है। जम्मू कश्मीर के 2 उत्पादों प्रसिद्ध बसोहली पश्मीना जो अपनी पंख जैसी कोमलता के लिए जाना जाता है और उधमपुर के मथे हुए दूध से बने विशेष व्यंजन कलारी को भी प्रतिष्ठित GI टैग मिला। कठुआ जिले का एक सदियों पुराना पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना अपनी असाधारण कोमलता, बारीकी और पंख जैसी कोमलता के लिए प्रसिद्ध है। उत्तम पश्मीना कारीगरों द्वारा हाथ से काटा जाता है और इसमें कड़ी मेहनत शामिल होती है। कलारी एक लोकप्रिय डोगरा व्यंजन उधमपुर जिले के रामनगर में अपनी उत्पत्ति पाता है। दूध से बना यह स्थानीय लोगों के बीच सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला स्ट्रीट फूड स्नैक है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने कच्छप नामक एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप 955 जीवित शिशु कछुओं की बरामदगी हुई जिसमें भारतीय टेंट टर्टल, इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, क्राउन रिवर टर्टल, ब्लैक स्पॉटेड या पॉन्ड टर्टल और ब्राउन रूफ्ड कछुए जैसी प्रजातियां शामिल हैं। DRI को इन कछुओं की अवैध तस्करी और व्यापार में लगे एक सिंडिकेट के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी जिसमें से कुछ को IUCN रेड लिस्ट के अनुसार अति संरक्षित प्रजाति माना जाता है। सिक्किम के कुछ हिस्सों में बुधवार 4 अक्टूबर को विनाशकारी बाढ़ आई जिसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। माना जा रहा है कि 103 से अधिक लोग लापता हैं, जबकि अधिकारियों द्वारा खोज और बचाव अभियान जारी है। दक्षिण लहोनाक झील सिक्किम के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियल झील है। झील का पानी नीचे की ओर बढ़ गया और तिस्ता नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई जिससे 4 जिलों में बाढ़ आ गई। कला और संस्कृति। भारत ने 25 से 28 सितंबर तक बेंगलुरु पैलेस में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन WCC 2023 की मेजबानी की। WCC 2023 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ICO द्वारा कॉफी बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और कर्नाटक सरकार और कॉफी उद्योग के सहयोग से किया गया था। परिपत्र अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता इस कार्यक्रम का विषय है। WCC 2023 ने 80 से अधिक देशों के प्रतिभागियों को आकर्षित किया जिसमें 2000 से अधिक प्रतिनिधि और वक्ता शामिल थे। कॉफी बोर्ड के CEO और सचिव KG जगदीश ने भारत के नंबर 1 युगल टेनिस खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता रोहन बोपन्ना को WCC 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया। कर्नाटक
को भारत की कॉफी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें दुनिया की कुछ बेहतरीन कॉफी का उत्पादन करने की समृद्ध विरासत है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 7 अक्टूबर 2023 को जमशेदपुर झारखंड में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। आदि महोत्सव में आदिवासी कला, हस्तशिल्प, प्राकृतिक उत्पाद और मनोरम व्यंजन शामिल हैं, जिसमें देश भर के आदिवासियों द्वारा उगाए जाने वाले बाजरा शामिल हैं। आदि महोत्सव जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक वार्षिक पहल है, जो आदिवासी उद्यमिता, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन, वाणिज्य और सदियों पुरानी पारंपरिक कला की भावना का जश्न मनाती है। महाराष्ट्र सरकार और लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघ नख के प्रत्यावर्तन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन में कहा गया है कि प्राचीन हथियार को 3 साल की अवधि के लिए ऋण के आधार पर महाराष्ट्र सरकार को सौंप दिया जाएगा, जिसके दौरान इसे राज्य भर के संग्रहालयों में प्रदर्शित किया जाएगा। शाब्दिक रूप से बाघ के पंजे, वाघ नख, एक पंजे जैसा खंजर है जिसका उपयोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में किया जाता था। इतिहास में वाघ नख का सबसे प्रसिद्ध उपयोग छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अफजल खान की हत्या की कहानी से आता है। विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय की वेबसाइट के अनुसार हथियार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ द्वारा ब्रिटेन लाया गया था। डफ 1818 से 1822 तक सतारा राज्य के कंपनी निवासी यानी कि राजनीतिक एजेंट थे। भारत के संविधान निर्माता B.R. अंबेडकर की भारत के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा का 14 अक्टूबर को मैरीलैंड में उद्घाटन किया जाएगा। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम की यह प्रतिमा वॉशिंगटन के करीब 35 किलोमीटर दक्षिण में मैरीलैंड के अकोकीक शहर में 13 एकड़ जमीन पर बनाए जा रहे अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र का हिस्सा है। प्रतिमा को प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है, जिन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा भी बनाई है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। 14 अक्टूबर को धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी और उनके विचारों को पूरी तरह से समर्पित एक संग्रहालय अमेरिका के ह्यूस्टन में खोला गया है। यह उत्तरी अमेरिका में इस तरह का पहला संग्रहालय है। संग्रहालय अब जनता के लिए खुला है। इसे शाश्वत गांधी संग्रहालय का नाम दिया गया है। संग्रहालय का उद्देश्य महात्मा गांधी, जिन्हें शांति का दूत कहा जाता है, की विरासत को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। संग्रहालय आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त को जनता के लिए खोला गया, लेकिन भव्य रिबन काटने का समारोह 2 अक्टूबर को हुआ। यह महात्मा गांधी की 154वीं जयंती थी। अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका और फिलीपींस ने वार्षिक संयुक्त नौसेना युद्ध अभ्यास समसमा शुरू किया। मनीला और फिलीपींस के मुख्य द्वीप लुजोन के दक्षिण में हो रहे अभ्यास में 1,000 से अधिक नाविक भाग ले रहे हैं। दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास पर अनिश्चितता के बीच भारत ने शनिवार को रूसी शहर कजान में 9 देशों की मॉस्को प्रारूप बैठक में भाग लिया, जिसमें तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री एक आमंत्रित के रूप में शामिल थे। पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान और मध्य एशियाई देशों के विशेष दूतों ने भी बैठक में भाग लिया। क्षेत्रीय समूह ने अपनी पिछली मांगों को दोहराया कि तालिबान वास्तव में समावेशी सरकार बनाए और महिलाओं सहित सभी अफगानों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करे। हालांकि वह इस मुद्दे पर आगे बढ़ने या सरकार गठन के लिए समय सीमा पर या लड़कियों की शिक्षा को फिर से शुरू करने पर तालिबान प्रतिनिधियों से कोई वादा लेने में विफल रहा। मॉस्को प्रारूप को 2017 में रूस, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान
और भारत के विशेष प्रतिनिधियों के बीच परामर्श के लिए 6 पक्षीय तंत्र के आधार पर पेश किया गया था। भारत और अर्जेंटीना ने एक दूसरे के डोमेन में पेशेवरों के कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो जोखिम मुक्त अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता में सहायता करेगा। इस समझौते का उद्देश्य अर्जेंटीना में विभिन्न भारतीय और अंतरराष्ट्रीय चिंताओं में कार्यरत भारतीय नागरिकों की बढ़ती संख्या के साथ साथ भारत में रोजगार चाहने वाले अर्जेंटीना के नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। भारत और अर्जेंटीना के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौते ने एक कानूनी ढांचा तैयार किया है जो दोनों पक्षों के पेशेवरों को वृद्धावस्था और उत्तरजीवी पेंशन का दावा करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा यह नियोजित व्यक्तियों के लिए स्थायी और पूर्ण विकलांगता पेंशन के साथ साथ अर्जेंटीना में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंशदायी लाभों से संबंधित कानूनों की भी रक्षा करता है। कैलिफोर्निया में स्थित फ्रेस्नो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा अमेरिकी शहर बन गया है। नगर परिषद ने सर्वसम्मति से अपने नगर पालिका कोड में 2 नई संरक्षित श्रेणियों को शामिल करके एक प्रस्ताव पारित किया है। फरवरी में सिएटल ने जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया, ऐसा करने वाला अमेरिकी शहर बन गया। इसके बाद अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने सितंबर में राज्य विधानसभा में इसके लिए एक विधेयक पारित किया। अधिकांश भविष्यवाणियों के विपरीत पूर्व प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और उनकी स्मार पार्टी ने पिछले सप्ताहांत स्लोवाकिया के संसदीय चुनाव में जीत हासिल की। लगभग 23% वोट या संसद में 150 सीटों में से 42 के साथ स्मर अब चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का पहला हाई स्पीड रेलवे लॉन्च करने के लिए तैयार है। चीन निर्मित बुलेट ट्रेन का नाम वूश है, जो 45 मिनट में जकार्ता और जावन शहर बांडुंग से 600 से अधिक लोगों को आने जाने के लिए बनाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में पहली बार प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैककार्थी को अविश्वास प्रस्ताव के बाद उनके पद से हटा दिया गया था। दक्षिणी ताइवान में गुरुवार को आए तूफान कोई नू के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और 300 से अधिक लोग घायल हो गए। जापानी भाषा में कोई नू का मतलब पिल्ला होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, जो 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, की घोषणा पिछले हफ्ते की गई थी। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का पुरस्कार सोमवार को कैटलिन करिको और ड्रू विस्मैन को उनकी खोजों के लिए दिया गया, जिससे कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी टीके विकसित हुई। याद रखने की ट्रिक, यदि आपको कट यानी कि कैटलिन लग गया है तो डॉक्टर यानी कि ड्रू से मिले, जब आपको कट लग गया है तो डॉक्टर से मिले। मंगलवार को भौतिकी के लिए पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुइलियर द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया था। याद रखने की ट्रिक, कृपया ईमेल में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले संलग्न PFA यानी कि प्लीज फाइंड द अटैचमेंट को याद रखें। क्वांटम डॉट्स की खोज और विकास के लिए बुधवार को मोंगी जी बावेंडी, लुई ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को रसायन विज्ञान का पुरस्कार दिया गया। याद रखने की ट्रिक, MLA। गुरुवार को नॉर्वे के लेखक जॉन फॉस को साहित्य के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए। शांति कार्य के लिए पुरस्कार शुक्रवार को जेल में बंद ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए प्रदान किया गया। आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा 9 अक्टूबर को की जाएगी। 2023 SASTRA रामानुजन पुरस्कार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के रुइक्सियांग झांग को दिया जाएगा। यह वार्षिक पुरस्कार भारतीय गणित के महान रामानुजन से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में व्यक्तियों द्वारा उत्कृष्ट योगदान के लिए है। रामानुजन के गृह नगर कुंभकोणम में SASTRA विश्वविद्यालय में 20 से 22 दिसंबर को संख्या सिद्धांत में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में यह पुरस्कार दिया जाएगा। एक्सियम स्पेस सिस्टम्स ने नासा के 2025 चंद्रमा मिशन आर्टेमिस 3 के लिए स्पेस सूट के विकास के लिए इतालवी फैशन ब्रांड प्राडा के साथ सहयोग किया है। प्राडा के इंजीनियर सूट की डिजाइन प्रक्रिया के दौरान एक्सियम स्पेस सिस्टम्स इंजीनियरों के साथ संयुक्त रूप से काम करेंगे। आर्टेमिस 3 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर पहला मानव युक्त मिशन होगा और इस दल की सदस्य में एक महिला भी शामिल होगी। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोयता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उनके काम के लिए प्रतिष्ठित डच पुरस्कार स्पिनोजा, जिसे डच नोबेल के रूप में भी जाना जाता है, से सम्मानित किया गया। वह एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय के एम्स्टर्डम इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस रिसर्च और IHE डेल्फ इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एजुकेशन में वैश्विक दक्षिण में पर्यावरण और विकास के प्रोफेसर हैं। उन्हें 4 अक्टूबर को हेग में एक पुरस्कार समारोह में पुरस्कार मिला। डच रिसर्च काउंसिल पुरस्कार समारोह का आयोजक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नए टीके को मंजूरी दे दी है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का तर्क है कि यह मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक गेम चेंजर साबित होगा। मलेरिया हर साल अफ्रीका में 5 लाख लोगों को मारता है। परीक्षणों से पता चला है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर विकसित R21 या मैट्रिक्स वैक्सीन मलेरिया को 75% तक कम कर देती है। इसे सस्ते में और बड़े पैमाने पर निर्मित किया जा सकता है। मलेरिया न तो जीवाणु और न ही वायरस है, यह एक प्रोटोजोआ परजीवी है जो एक विशिष्ट वायरस की तुलना में हजारों गुना बड़ा है, इसलिए इसके टीका विकसित करना बहुत मुश्किल था। खेलकूद। सबसे पहले एशियन गेम्स के बारे में कुछ जानकारी। चीन के हांगझोउ शहर में एशियाई खेलों में पहली बार भारत ने 100 पदकों का आंकड़ा पार किया। इस अभूतपूर्व पदक से भारत ने 60 साल से अधिक समय में एशियाई खेलों में अपनी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग सुनिश्चित की और वह चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद चौथे स्थान पर रहा। एशियाई खेलों में भारत का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 साल पहले जकार्ता में 70 पदक के साथ रहा था। इससे पहले भारत ने 1962 एशियाई खेलों में जकार्ता में ही सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग दर्ज की थी, जब भारत तीसरे स्थान पर रहा था। उसके बाद से हर टूर्नामेंट में भारतीय टीम 5वें या उससे नीचे के स्थान पर रही है। हांगझोउ में 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया। देश ने 28 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो फिर से अब तक का सबसे अधिक है। निशानेबाजी में सबसे अधिक स्वर्ण पदक विजेता है 7। एथलेटिक्स में 29 और निशानेबाजी 22 खेलों में 51 पदक जीते।
30 एथलीटों ने एक से अधिक पदक जीते, जिसमें राइफलमैन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और पिस्टल शूटर ईशा सिंह ने एक ही एथलीट द्वारा सबसे अधिक 4 पदक जीते। 1 अक्टूबर को टीम ने एक दिन में सबसे अधिक पदक जीते 15, और आयोजन के हर दिन कम से कम एक पदक सुनिश्चित किया। कंपाउंड तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस प्रवीण देवताले ने 3 स्वर्ण पदक जीते। एशियाई खेलों का विस्तृत वीडियो शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण 5 अक्टूबर को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में शुरू हुआ। टूर्नामेंट के शुभंकर टोंक और ब्लेज हैं। टोंक एक पुरुष पात्र है और ब्लेज एक महिला पात्र है। दो पात्र अलग-अलग गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लैंगिक समानता और विविधता के प्रतीक के रूप में उभरते हैं। सचिन तेंदुलकर को टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। यूरोप ने राइडर कप 2023 जीत लिया है, जो इटली में 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक रोम के उत्तर पूर्व में गाइडोनिया मोंटेसेलियो में मार्को सिमोन गोल्फ एंड कंट्री क्लब में आयोजित किया गया था। राइडर कप यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के टीमों के बीच एक द्विवार्षिक पुरुषों की गोल्फ प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता हर 2 साल में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच बारी बारी से आयोजित की जाती है। राइडर कप का नाम इंग्लिश बिजनेसमैन सैमुअल राइडर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने ट्रॉफी दान की थी। अब सप्ताह की चर्चित व्यक्तित्व एनी राइट। वन्य जीवों की चैंपियन, बाघ संरक्षणवादी और आजादी के बाद भारत में रहने वाली ब्रिटिश प्रवासियों में से एक एनी राइट का मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास उनके निवास पर निधन हो गया। वह 94 वर्ष की थी। एक ब्रिटिश सिविल सेवक की बेटी एनी मध्य भारत और बिहार के जंगलों में पली बढ़ी और 1960 के दशक में बाघ संरक्षण आंदोलन शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जानवरों और वन्य जीव आवासों की रक्षा के लिए मुखर रूप से बात की। उन्होंने WWF की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे तब विश्व वन्य जीव फंड के रूप में जाना जाता था और हाल के दिनों में वर्ल्ड वाइड फंड के रूप में जाना जाता है। बाद में उसी वर्ष दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें टाइगर टास्क फोर्स का हिस्सा बनने के लिए चुना, जिसने प्रोजेक्ट टाइगर की परिकल्पना की थी। उन्होंने 19 वर्षों तक भारतीय वन्यजीव बोर्ड में भी काम किया। वह गांधी को साइबेरियाई क्रेन के संरक्षण के लिए काम करने के लिए राजी करने में भी कामयाब रही। कान्हा, जो वन्य जीव संरक्षण के लिए उनकी प्रेरणा थी, भारत के पहले बाघ अभयारण्यों में से एक था। राइट को 1979 में ऑर्डर ऑफ द गोल्ड और 1983 में मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका। धन्यवाद।